कहते हैं कि जब सत्संग नहीं मिला तो हम अपने ईश्वर को सिर्फ मंदिरों में देख रहे थे, गुरुद्वारों में देख रहे थे, तीर्थों में देख रहे थे। लेकिन जब समर्थ सद्गुरु मिले, उनका संग मिला, उनका दर्शन मिला, और जब सत्य को समझने वाली सतबुद्धि हमारे जीवन में विकसित हुई, तब हमने ये पाया कि इस विश्व का, ब्रह्मांड का नियंता, इसको पैदा करने वाला, पालन करने वाला और इसका संहार करने वाला जो ईश्वर है, वो सिर्फ सातवें आसमान में नहीं, वो सिर्फ तीर्थों में नहीं, वो सिर्फ मंदिरों में नहीं, वो तो प्राणी मात्र के दिल में रहता है और हमने हर दिल में उसका दर्शन किया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढानि मायया। कि ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय में निवास करता है, लेकिन जो उसको देखते नहीं, अनुभव करते नहीं, वे लोग सिर्फ ईश्वर को एक मूर्ति में ही देखा करते हैं। अष्टावक्र महामुनि के बारे में बहुत सुंदर वर्णन आता है और ये पूरे विश्व में एक आश्चर्यजनक घटना है कि एक बालक को, कि जो अभी तक पैदा नहीं हुआ, अभी तो माँ के पेट में है, और उस बालक को तत्व ज्ञान हो जाता है। माँ के पेट में, सोचिए, और उसे ब्रह्म साक्षात्कार, अपने आप का बोध, अपने आप की उपलब्धि, आत्म उपलब्धि, परमात्म ज्ञान का अनुभव होता है। इसकी सरलता देखिए, डॉक्टर बनना हो तो कितने साल चाहिए, इंजीनियर बनना हो, MBBS, PhD तो कितने साल लग जाते हैं, 12वीं क्लास करनी हो तो भी कम से कम 12 साल तो चाहिए, एक क्लास के लिए 1 साल। लेकिन इस ब्रह्मज्ञान की सरलता देखिए कि वो माँ के पेट में पल रहे 8वें माह के गर्भस्थ शिशु के भीतर भी ये आत्मज्ञान उत्पन्न हो सकता है, ये इसकी सरलता। जो लोग ऐसा कहते हैं कि वेरी डिफिकल्ट, वेरी टफ, कि हमारे बस की बात नहीं, वे लोग गौर करें सुलभा के जीवन को जो सिर्फ 16 साल की थी। तो मेरी एक ऐसी तमन्ना है, एक ख्वाहिश है कि जितने भी ईश्वर को जानने के जिज्ञासु लोग, जो सदाचारी हैं, धर्मात्मा हैं, दीक्षित हैं, धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ऐसे कुछ परिवार या ऐसे कुछ लोग, और उनको इसी जीवन में इस ब्रह्म साक्षात्कार का अनुभव घर बैठे हो जाए तो कहना ही क्या, और वो दिन जल्दी आना चाहिए। और हमें इस समाज में उस भ्रांति को भंग करना, अरे भगवान को पाना, अरे राम राम राम, ये तो बहुत कठिन काम है, ये तो जंगल में जाना पड़ेगा, ये आश्रम में जाना पड़ेगा, किसी गिरी गुफा में जाना पड़ेगा, नमक मिर्ची छोड़ना पड़ेगा, ओ हम तो संसारी आदमी, ऐसा तो संसारी आयूं बाबा, ऐसा जे बस जी गाल कोने, ये भगवान के पाण ढाढ़ो दुख्यो कम, असा जे बस ही गाल ना, असा संसारी पापी जीव लगा पे आए,
कूड़ गाढ़ण वाला, संसार में रहण वाला, इहो पैजे दिमाग मां एकदम हटाए छो कि असा भगवान के नथा पाए सकूं। जय श्री राम। तो ये जो मानसिकता लगभग कई लोगों के बुद्धि में घर कर गई कि ईश्वर को पाना ये बहुत कठिन काम, ये हम लोगों के बस की बात नहीं। इस भ्रांति को हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा।